लंबे वक्त के बाद बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा की विधानसभा सीटों पर 78 विधानसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें इसराना विधानसभा हलके से एक बार फिर बीजेपी ने कृष्णलाल पवार पर भरोसा जताया है। इस वक्त हम कृष्णलाल पवार जी के साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले पंजाब केसरी टीवी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। सर, बीजेपी पार्टी ने एक बार फिर आप पर भरोसा जताया है, कितना खरा उठाए? मैं बीजेपी पार्टी संगठन का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी, अनिल जैन जी, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल और हमारे हरियाणा के प्रभारी नरेंद्र तोमर जी, चौहान जी और सुभाष बराला जी का और संगठन का विशेष तौर से मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे दोबारा फिर इसराना विधानसभा से उम्मीदवार बनाकर के भारतीय जनता पार्टी का उतारा है। भारतीय जनता पार्टी में निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, पिछली योजना में भी हमने निष्ठा से काम किया, इसलिए पार्टी संगठन ने और जो मतदाताओं की जो भावना थी उसकी सम्मान करते हुए मुझे दोबारा फिर माननीय मनोहर लाल जी ने और संगठन ने इसराना विधानसभा से उतारा है। तो निश्चित तौर से हम जो भारतीय जनता पार्टी जिस निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ मुझे उतारा है, तो हम उसी निष्ठा के साथ इसराना विधानसभा की जो सीट है बहुत भारी बहुमत से जितवा करके माननीय मुख्यमंत्री की धूल में सीट डालेंगे। सर, अब किन मुद्दों के साथ आप मैदान में उतरेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने कोई मुद्दा तो छोड़ा ही नहीं। मुद्दे वो होते हैं जो जनता आवाज उठाई, ये काम नहीं हुए। ये पहली भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो 5 साल का कार्यकाल करने के बाद जब उन लोगों के बीच में गए तो लोगों ने इतना बड़ा सम्मान दिया, और इस बात का उदाहरण है 10 की 10 लोकसभा सीट जीत करके हमने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हरियाणा प्रदेश ने दी है। तो आज जिस भी गांव के अंदर गए तो पूरा समर्थन मिला। जिस प्रकार से 18 अगस्त से लेकर लगातार 90 विधानसभा माननीय मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, तो पूरे प्रदेश के लोगों ने कितना भारी जन समर्थन दिया है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ। सर, किस पार्टी से आप चुनौती मानते हैं? चुनावी मैदान है, और भी नेता आएंगे मैदान में। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनका किसी पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है। जो लड़ाई लड़ रहे हैं तो 2-3 नंबर की लड़ेंगे, नंबर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। सर, इस बार कितनी जीत होगी, कितनी बड़ी जीत आप मानकर चल रहे हैं? कोई लिमिट नहीं है, तो हजारों की संख्या में लीड जीत होने वाली है। जिस प्रकार से 51,748 वोट से हमने हमारे सिंधे भाटिया को सराहने से जीता था, तो उससे भी ज़्यादा माहौल अब विधानसभा में नजर आ रहा है। तो इसलिए निश्चित तौर पर जो बहुत भारी बहुमत से सराहना से जीत। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे बीजेपी प्रत्याशी कृष्णलाल पवार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो इस बार फिर बीजेपी की झोली में भारी मतों से जीतकर एक सीट उनके इसराना विधानसभा हलके की सीट उनकी झोली में डालने का काम करेंगे। मैं कैमरा पर्सन संदीप शर्मा के साथ सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत।